अलैक्म क्लास, नेक्स्ट हम लोग ने न्यूमेरिकल कंट्रोल जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने जो वेजो कॉन्स्ट्रक्टर एजेंट्स से डिफरेंट उनको डिस्कस किया कि किस तरह से वो एक्ट करते हैं और अल्टीमेटली वैसे वो कॉन्स्ट्रिक्ट करवा के ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करने हैं वेजो डायलेटर एजेंट्स। सो वेजो डायलेटर एजेंट्स आर द एजेंट्स जो कि वेसल्स की डायलेशन करवाएंगे, और रिटर्न जब डायलेशन करवाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस कम होगी तो ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब डिफरेंट एजेंट्स देखेंगे जो जो एज अ वेजो डायलेटर एक्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास आ जाता है दैट इज ब्रेडी काइनिन। ब्रेडी काइनिन जो है दैट इज अ पेप्टाइड, पोलीपेप्टाइड, ठीक है। दैट इज अ 9 अमाइनो एसिड पेप्टाइड चेन, और अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है इसके अंदर यहाँ पर मेंशन नहीं है। लेट मी टेल यू, दिस इज आर्जिनिन, प्रोलीन, प्रोलीन, लाइसिन, प्रोलीन, आर्जिनिन, ठीक है। इसको मेरे ख्याल से याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ये याद रखने की दैट इज अ पॉलीपेप्टाइड। अब अगर हम इसकी बात करें जो काइनिन आपके पास है, ब्रेडी काइनिन जो होता है वो आपके पास बनता कैसे है? इसका जो प्रिकर्सर होता है दैट इज काइनेनोजन। लेट मी शो इन द डायग्राम, दिस इज प्रिकर्सर, दिस इज काइनेनोजन, ठीक है। अब ये जो काइनेनोजन है ये इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, दिस इज एंजाइम दैट इज कैलिक्रिन, ये कन्वर्ट होता है इनटू ब्रेडी काइनिन, ठीक है। अब आप लोगों के पास ये जो एक तो ये काम करता है कैलिक्रिन एंजाइम, इसके अलावा जो प्लाज्मिन देयर इज अ फाइब्रिनोलिटिक एंजाइम ये भी जनरेट कर सकता है ब्रेडी काइनिन को इसी क्लीवेज करवाने के बाद, ठीक है जी। अब ह्यूमंस में ये जो ब्रेडी काइनिन है देयर इज ब्रोकन डाउन बाय मेनी डिफरेंट काइनेजेस। काइनेजेस बेसिकली वो वाले एंजाइम्स होते हैं जो कि फॉस्फेट जो है उसको ट्रांसफर करवाते हैं, एडिशन करवाते हैं किसी प्रोटीन के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर। सो अब इसमें एक और आपके पास आ जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। दैट इज एस काइनेज टू, उसको आप बोलते हैं। ये भी फंक्शन कर सकते हैं जिस तरह यहाँ पे मेंशन भी है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टू एस, ठीक है जी। ये क्या कर रहा है, ब्रेडी काइनिन को ब्रेडी काइनिन 1,5 में कन्वर्ट कर रहा है, और वो जो ब्रेडी काइनिन था वो क्या कर रहा है इसकी वो वेजो डायलेशन कॉज करता है आगे जाके डिफरेंट मैथड से। इसके अलावा इसका आपने वो रोल भी देखा था जिसमें एंजियोटेंसिनोजिन जो है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1, और फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एस एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है इनटू एंजियोटेंसिन 2, और फिर आपके पास जो एंजियोटेंसिन 2 है वो वेजो डायलेशन करवाता है, ठीक है। सॉरी एंजियोटेंसिन 1,7 जो है वो करवाता है वेजो डायलेशन, वो एस 2 की प्रेजेंस में बनता है एंजियोटेंसिन 1,7, जबकि एंजियोटेंसिन 2 जो था वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा के ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवा रहा था। अब ये जो एंजियोटेंसिन 1,7 है ये भी वेजो डायलेशन इन्हीं मैथड्स के थ्रू करता है। ये आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड ये बना रहा है, ठीक है। ये डिफरेंट मैथड्स हैं। सो ये आपके पास था कि किस तरह से इसकी फॉर्मेशन हो रही है। लेट लेट मी शो यू दिस देयर। सो बेसिकली दैट इज अ पेप्टाइड दैट प्रमोट्स इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और दूसरा काम ये करता है आर्टेरियोल्स की डायलेशन करता है। किस तरह से आर्टेरियोल्स की डायलेशन करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कर देता है, एंडोथेलियम डिराइव्ड हाइपरपोलराइजिंग फैक्टर को रिलीज करता है, ठीक है। और एंडोथेलियम डिराइव्ड हाइपरपोलराइजिंग फैक्टर जो है इसके थ्रू वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 आ जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये लीकिंग करवाते हैं, दीज लीड टू द लीकेज इनटू द कैपिलरी बेड, ठीक है। अब ये आपके पास ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये अल्टीमेटली कैपिलरीज के अंदर प्रेशर को इंक्रीज करते होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ब्रेडी काइनिन को, तो काइनिन आर स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स दैट आर स्प्लिट अवे प्रोटीलोटिक एंजाइम फ्रॉम α2 ग्लोबुलिंस जो कि आपके प्लाज्मा या टिश्यू फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है। सो प्रोग्रेसिव एंजाइम ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस फॉर दिस पर्पज इज कैलिक्रिन, मैंने आपको बताया कैलिक्रिन की प्रेजेंस में होता है विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड इन एक्टिव फॉर्म।
अब ये जो है ये किस तरह से एक्टिव होता है, कैलिक्रीन वैसे इनएक्टिव फॉर्म में। अब ये एक्टिवेट होगा बाय मैक्यूरेशन ऑफ ब्लड, बाय टिश्यू इन्फ्लेमेशन और बाय अदर सिमिलर केमिकल फिजिकल इफेक्ट्स ऑन द ब्लड एंड टिश्यू। ये भी टिश्यू इन्फ्लेमेशन होगी है कोई ना कोई, इसके रिजल्ट में आपके वो डिफरेंट मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, तो उस स्टेज में क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा कैलिक्रीन। अब जब ये एक्टिवेट होता है तो ये इमीडिएटली अल्फा टू ग्लोबुलिन को क्या करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं और उससे रिलीज करवाते हैं एक काइनिन जिसको आप बोलते हैं गैलेडिन। ठीक है, वो गैलेडिन जो है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द ब्रेडी ब्रेडी काइनिन। अब ये जो ब्रेडी काइनिन है, एक तो ये काम कर रहा है, इट कॉजेज पावरफुल आर्टेरियोल डायलेशन। ठीक है, एक तो आर्टेरियोल्स की डायलेशन करवाता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आर्टेरियोल्स की डायलेशन कैसे करवा रहा था, थ्रू द रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है जी, और दूसरा काम भी क्या करता है, एंडोथीलियम डिराइव्ड हाइपरपोलराइजिंग फैक्टर रिलीज करता है। ठीक है, अब उस एंडोथीलियम, दिस वन एंडोथीलियम डिराइव्ड हाइपरपोलराइजिंग फैक्टर, ये एंडोथीलियम डिराइव्ड हाइपरपोलराइजिंग फैक्टर जो है ये अल्टीमेटली वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है। ये वेन्स को कैसे कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 के थ्रू। ठीक है, जब वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो उनमें से लीकेज होगी फ्लूइड की इनटू द कैपिलरी बेड, जिसकी वजह से कैपिलरीज के अंदर प्रेशर को इंक्रीज कराएगा। ठीक है जी, आपने देखा है कि ब्रैडीकाइनिन जो प्रेशर कम भी करवाता है आर्टेरियोल्स की डायलेशन को, और कैपिलरी के अंदर कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज करवा के प्रेशर जो है उसको इंक्रीज भी करवा रहा है। द नेक्स्ट वन आपके पास, अच्छा इसमें एक और चीज, लेट मी टेल यू पीपल कि ये ब्रेडीकाइनिन का लेवल आपकी बॉडी में अक्सर तब भी ज्यादा होता है जब आपको एस इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। एस इनहिबिटर्स क्या होते हैं, बेसिकली जब ब्लड प्रेशर आपको ज्यादा एस एस की वजह से ज्यादा हो रहा था, ब्लड प्रेशर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग टू वो एंजियोटेंसिन टू बना रहा था, एंजियोटेंसिन टू आपको पता है कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। सो अब उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एस इनहिबिटर्स जो हैं वो एज ए ड्रग आपको दिए जाते हैं। सो एस इनहिबिटर्स का एक इफेक्ट ये भी होता है कि वो जाके आपकी बॉडी में ब्रेडीकाइनिन इंक्रीज कर देता है। ब्रेडीकाइनिन क्या करता है, ब्रेडीकाइनिन ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। ठीक है, तो वो उसको बैलेंस एक तरह से कर देता है, एस ज्यादा कर रहा था, एस इनहिबिटर दिया तो उसने जाके ब्रेडीकाइनिन को एक्टिवेट कर दिया, और ब्रेडीकाइनिन जो है वो आप क्या करते हैं कि हाइपरटेंशन से आपको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, वो आगे अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को वेसल्स को डायलेट करा के ब्लड प्रेशर को कम करवा देते हैं। ओके, सेकंड आपके पास जो नेक्स्ट क्लास आ जाती है वेजोडायलेटर की, दैट इज हिस्टामिन। सो हिस्टामिन जो है दैट इज एसेंशियली रिलीज फ्रॉम द एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी टिश्यू जो है दैट इज डैमेज या फिर इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको, तो दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, और एलर्जीज भी मेजर जो आपके पास इम्यून रिस्पॉन्स में या किसी ना किसी इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में आपके पास हिस्टामिन रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, मास्ट सेल जो है वो हिस्टामिन रिलीज करते होते हैं। आपकी जो बॉडी के अंदर डिफरेंट इम्यून सेल्स होते हैं उसमें एक मास्ट सेल्स भी होते हैं, तो मास्ट सेल्स जो है वो हिस्टामिन रिलीज करते होते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली हिस्टामिन जो है वो क्या कॉज करवाता है, वेजोडायलेशन कॉज करवाता है। ठीक है, देयर इज अ पावरफुल, इट हैज अ पावरफुल वेजोडायलेटरी इफेक्ट ऑन द आर्टेरियोल्स, जिस तरह ब्रेडीकाइनिन कर रहा था, इंक्रीज ग्रेटली द कैपिलरी पोरोसिटी जिसके रिजल्ट में लीकेज होता है बॉडी फ्लूइड का और प्लाज्मा प्रोटीन का टिश्यू के अंदर। ठीक है, ये वही वाला काम ये भी करवा रहा है। तो हिस्टामिन जो है दैट हैज बीन शोन टू रिलीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड इट कुड कंट्रीब्यूट टू द पोस्ट एक्सरसाइज वेजोडायलेशन। ठीक है, अब इसमें वेट अ मिनट प्लीज, बेसिकली हिस्टामिन हाउ इट वर्क्स, जब भी कहीं भी टिश्यू डैमेज होता है तो उस केस में वो जो डैमेज टिश्यू है वो मास्ट सेल्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिसके रिजल्ट में वो मास्ट सेल्स हिस्टामिन रिलीज करते हैं। वो मास्ट सेल्स वहां से जाते हैं जो आसपास ब्लड वेसल्स गुजर रही होती है, उन ब्लड वेसल के अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं। सॉरी, नॉट मास्ट सेल, हिस्टामिन। वो हिस्टामिन ब्लड वेसल्स के जब अंदर जाते हैं तो उसको डायलेट करवाता है और इन रिजल्ट लीकी करता है, उसको स्पॉन्जी करता है। ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, लीकी होता है तो फ्लूइड बाहर निकलता है। अब उस फ्लूइड के अंदर
डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अब वो जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं वो निकली हैं वैसे से बाहर गई हैं, तो उन्होंने अट्रैक्ट किया है फैगोसाइट्स को, ठीक है। जो सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं, उनको वो अट्रैक्ट करती हैं। सो ब्लड प्लाज्मा और वो जो फैगोसाइट्स थे वो अब उस इन्फेक्टेड टिश्यू की तरफ जाते हैं वैसे से, ठीक है। और वो फैगोसाइट वहां पे जाके कोई भी डेड सेल्स आ रहे हैं, कोई बैक्टीरिया जिसकी वजह से भी हिस्टामिन रिलीज हुआ उसको वो इंगल्फ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हिस्टामिन और कॉम्प्लीमेंट सिग्नलिंग है वो सारी की सारी रुक जाएगी, फैगोसाइट्स दोबारा अट्रैक्ट नहीं होंगे। अब दोबारा वहां से वाइट ब्लड सेल्स से ग्रोथ फैक्टर्स आएंगे, प्लेटलेट्स जो हैं वो सेल डिवीजन को स्टिमुलेट कर देंगे ताकि हीलिंग जो है वो वॉन्ड की होती रहे। बेसिकली दिस इज हाउ हिस्टामिन वर्क्स। फिर नेक्स्ट आप लोगों के पास एक और इम्पॉर्टेंट वेजोडायलेटर है, दैट इज एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है जी। सो एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड जो है दिस इज ऑल्सो अ वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, सॉरी वेजो डायलेटर। सो बेसिकली ये क्या काम करता है, दैट इज अ कार्डिक हार्मोन, ठीक है। एक तो ये चीज आपने याद रखनी, कार्डिक हार्मोन है, ये रेगुलेट करता है सॉल्ट वाटर बैलेंस का, ठीक है। और इस तरह से ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, कैसे कि ये वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है नेट्रियूरेटिक। नेट्रियूरेसिस होती है कि रीनल सोडियम की एक्सक्रीशन करवाना थ्रू किडनीज, जो है ना सोडियम को बजाय कंजर्व करने के सोडियम को एक्सक्रीट करा रहा है। एंड यू नो वेरी वेल कि जहाँ पे साल्ट जाता है तो वाटर बाय ऑस्मोसिस उसको फॉलो करता है। सो अगर सॉल्ट एक्सक्रीट हो रहा है तो साथ में वाटर भी एक्सक्रीट होगा, इन रिजल्ट पीछे ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम रहेगी। अब वॉल्यूम जब कम होता है तो प्रेशर भी कम होता है। सो दिस इज हाउ बेसिकली इट स्टिमुलेट्स वेजोडायलेशन, ठीक है। एक तो सॉरी ये इफेक्ट है, ये ब्लड प्रेशर इस तरह से कम करवाता है, और सेकेंडली इसका इफेक्ट है कि ये वेजो डायलेशन करवाता है, ठीक है जी। ये वेसल्स जब भी वेसल्स में जाता है तो वेसल्स को जाके डायलेट करवा देता है, इन रिटर्न रेजिस्टेंस कम करवाता है। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा, वेसल्स ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है जी। ओके जी, दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई गेस दिस इज इनफ। मेजर इसका जो इफेक्ट आप लोगों ने याद रखना है वो ये रखना है कि ये जाके किडनीज में से सोडियम की एक्सक्रीशन करवाता है किडनीज के थ्रू, साथ में जब वाटर की भी होगी तो वॉल्यूम कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी अल्टीमेटली कम हो जाएगा। सेकेंडली वेसल्स पे जाके जब एक्ट करेगा तो वहां पे जाके क्या करवाएगा, वेसल्स की डायलेशन करवा देगा, ठीक है। इसके अलावा जी इट रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर बाय इनहिबिटिंग, ये अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सोडियम वाटर रिटेंशन नहीं करवाएगा ताकि वो एक्सक्रीट हो और बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम हो, ब्लड प्रेशर कम हो। एंजियोटेंसिन टू जो कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवा रहा था उसको ये इनहिबिट करवाता है। रेनिन, एल्डोस्टेरोन ये सारे ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाने वाला काम करते थे, इनको ये इनहिबिट करवाता है एडीएच को, और एडीएच का जो एक्शन है ऑन किडनीज उस चीज़ को ये इनहिबिट करवा के अल्टीमेटली क्या करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, ठीक है। ये इसके डिफरेंट इफेक्ट्स हैं ये। फिर डिफरेंट आयंस जो हैं ये बाकी जो फैक्टर्स हैं वो भी वेस्कुलर कंट्रोल करते हैं, जिस तरह अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, पोटेशियम वेजो डायलेशन, मैग्नीशियम वेजो डायलेशन, इंक्रीज सोडियम वेजो डायलेशन, हाइड्रोजन भी वेजो डायलेशन करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वेजो डायलेशन करवाता है। अगर ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है तो उसके रिजल्ट में भी आपके पास क्या होगा, वेजो डायलेशन ही होगी और वो ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है। दिस इज हाउ बेसिकली इट वर्क्स। तो ये चीज़ आपने देखी, दिस इज इट फॉर टुडे।